तो दिस इज एग्जांपल नंबर टू व्हिच सेज दैट कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री तो हमने जैसा कि लास्ट वीडियो में भी पढ़ा जिस भी चीज को हमको कन्वर्ट करना रहता है मतलब जिस चीज में उसको हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं तो यहाँ पे लिखा हमने सिंस पाई रेडियन इज इकल टू 180 एट्टी डिग्री ठीक तो ये क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक नोट बता देता हूँ मैंने यहाँ पे लिखा है कि वी कैन लीव रेडियन इन फ्रैक्शन जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल मतलब में देखा कि हमने इसको ऐसे ही फ्रैक्शन में छोड़ दिया था मतलब यहाँ पे पाई है डिनोमिनेटर में भी कुछ है तो हम इसको फ्रैक्शन में छोड़ सकते बट वी कैन नॉट लीव डिग्री इन फ्रैक्शन मतलब जो भी क्वेश्चन में हमको डिग्री में कन्वर्ट करना रहेगा उसको हम फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते हमको उसको एक कंप्लीट आंसर लाना ही पड़ेगा क्यों क्योंकि इसमें हमारे पास फर्दर सॉल्व करने के लिए है कि अगर डिग्री में नहीं आ रहा तो हम उसको मिनट्स में ला दे मिनट्स में नहीं आ रहा तो सेकेंड में मतलब हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं इसलिए हम इसको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे तो चलिए देखते हैं अब वन रेडियन टू वन एट्टी अपॉन में जैसे कि यहाँ पे पाई रेडियन था तो यहाँ पे वन लिए तो हम पाई अपॉन में चल जाएगा तो क्या हो जाएगा वन रेडियन इज ईकल टू वन एट्टी डिग्री वन एट्टी अपॉन में पाई डिग्री तो अब हमको कन्वर्ट क्या करना है सिक्स रेडियन को डिग्री में करना है तो सिक्स रेडियन इज इकल टू वन अपॉइंट एट्टी इन सिक्स डिग्री तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स रेडियन इजिकल टू वन अपॉइंट एट्टी अपॉन्ट में पाई डिग्री ठीक है नाउ अब क्या करेंगे सिक्स रेडियन इज इक्वल टू पाई की वैल्यू रख देंगे हमको क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं कि कोई सेपरेटली रखना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन अब सेवन ऊपर चला जाएगा इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री सेवन एट जीरो आएगा अपॉन में इलेवन अब यहाँ पे जैसे देख सकते हैं मैंने रफ में डिवाइड करा है इन दोनों को तो आंसर क्या है? आया है हमारा मिक्सड फ्रैक्शन में आया है तो आपको तो पता ही होगा कि हम ये जो इससे रिमाइंडर आता है उसको ऊपर लिखते हैं और डिविडेंड को हम नीचे लिखते हैं और जो भी हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पर लिख देते हैं ठीक अब यहाँ पे आया है ये होल डिग्री है तो हम इसको क्या तोड़ के प्लस में दोनों को सेपरेटली डिग्री नहीं लगा सकते लगा सकते हैं तो हम लिख देंगे सिक्स रेडियन इजिकल टू थ्री फोर्टी थ्री डिग्री प्लस सेवन अपॉन इलेवन डिग्री ठीक यहाँ तक हमने कर लिया अब ये देखेंगे हम कि सिक्स रेडियन इजिकल टू यहाँ पे हम इसको जो है सेवन अपॉन इलेवन जो डिग्री है हम इसको मिनट में चेंज करेंगे तो मिनट में चेंज करने का मैंने बताया था मिनट में चेंज करना तो उसको उधर डाल देंगे तो वन डिग्रीज इक्वल टू सिक्सटी मिनट होता है सो सेवन अपॉन इलेवन डिग्री इक्वल टू सिक्सटी अपॉन ये करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा थर्टी एट टू अपॉन इलेवन तो ये इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया ठीक अब ये थर्टी एट टू अपीलैन को हम सेपरेटली लिखेंगे तो यहाँ थर्टी एट मिनट और टू अपॉइंट एलेवन मिनट आ जाएगा तो हम इसको भी सेकेंड्स में चेंज करते हैं तो हमने ये किया अब इसको सेकेंड्स में चेंज करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया टेन अपॉन नाइन सेकेंड्स आया अब हम इसको यहाँ पे टेन अपॉन नाइन सेकेंड्स को ये हमने लिख दिया है और हम इसको एक मतलब टेन पॉइंट नाइन सेकेंड्स ना लिख के हम इलेवन सेकेंड लिख सकते हैं क्योंकि एकदम क्लोज है इलेवन के तो हमने यहाँ प्लस के साइन को हटाते हुए क्योंकि हटा सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं कि प्लस के साइन ही लगा के लिखना क्योंकि ये तो सेपरेटली हम इसको साइन से शो कर रहे हैं तो हमने लिख दें थ्री फोर्टी थ्री मिनट थर्टी एट सॉरी थ्री फोर्टी थ्री डिग्री थर्टी एट मिनट एंड इलेवन सेकेंड अप्रॉक्स तो ये हमारा आंसर बन जाएगा ठीक है आप रफ़ में पूरी चीज़ भी कर सकते हैं मैं दिखा दिया क्या क्या मैंने करा था रफ़ में